मतलब गैंगस्टर का घर परिवार है और पुलिस वाले पागल चल रहे हैं। अपराध मैं करूंगा, आप मेरे घर में रहने वाले मेरे बीवी बच्चों को माता पिता को बाहर निकाल दोगे, उनको सड़क पर फेंक दोगे, कर दोगे। वो कस्टडी में था, सो राज खुलते, चाहे उसमें अखिलेश जी हो चाहे मायावी हो, कोई भी था, सब विपक्षी पार्टियों के नाम आते हैं। लेडीज के लिए भी कानून है, यानी कि लेडीज है तो लेडीज बच जाएंगी। अब यूपी में कोई 10 बार सोचेगा कि मैं बदमाश बनूं या नहीं बनूं। कितने सालों से उसको तुमने ले रखा है जेल में, क्यों नहीं सजा देते अब उसको, क्यों नहीं फांसी अनाउंस करते। कपिल सिब्बल ने एक बात बोली ट्वीट करके, उन्होंने कहा कि असद को मारा, 19 साल का लड़का जो है वो देश के लिए खतरा कैसे हो सकता है, क्या 19 साल के अपराधी नहीं है देश में? अपराधी कोई भी हो पर अपराधी को पकड़ो आप, अपराधी को अपराधी आप उसका अपराध सिद्ध हो जाए, उसको अपराध की सजा दो, तब तक आपने उसको जेल में भी ले रखा है और कस्टडी भी ले रखी है, फिर आप ये कैसे हो जाते हैं? कब कितने सालों से उसको तुमने ले रखा है जेल में, क्यों नहीं सजा देते अब उसको, क्यों नहीं फांसी अनाउंस करते, करो ना कुछ में। ये तो फिर ऐसे आप डिले करोगे, ये सरकार की डिले है या कानून की डिले है, तो फिर तो ये ऐसे अपराध, ये जो भी हुआ है इस तरह का बिल्कुल ही इसकी निंदा होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, अपराधी को सजा मिले, पूरी सजा मिले, पर कानून के दायरे में, ये नहीं कि कानून के अपने हाथ में ले लो। कानून को अपने हाथ में कोई भी ले, चाहे पुलिस लेती है एनकाउंटर करने के लिए या कोई और लेता है मतलब कि माफिया को मारने के लिए, दोनों ही गलत है। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, कानून के दायरे में रह के सबको सजा दे दो। लेकिन योगी आदित्यनाथ के समर्थक तो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया किया, बुलडोजर चल रहा है बाबा का, जो है आतंक और गुंडागर्दी जो है यूपी से खत्म हो। गलत बात है, बुलडोजर में क्या पता कितने लोग रहते हैं, कितने बच्चे रहते हैं, कितनी लेडीज रहती हैं, बुलडोजर में तो परिवार रहते हैं। वो आदमी पड़ा जेल में, आप उसके घर को भी उजाड़ रहे हो, उसके परिवार को भी कर रहे हो, ये तो गलत बात है। मकान एक परिवार के लिए होता है, ये थोड़ी कि अपराध मैं करूंगा, आप मेरे घर में रहने वाले मेरे बीवी बच्चों को माता पिता को भी बाहर निकाल दोगे, उनको सड़क पर फेंक दोगे, कर दोगे। सजा जिसने कसूर की उसको मिलनी चाहिए। उस पहले उसने बनाई कैसी इतनी जगह, कैसे उसने इतना मतलब खड़ा कर लिया, रातों रात भी बन गया क्या, तब आप कहाँ थे? अब उसको सजाओगे तो आप उसके करा रहे हो, एक के बदले नहीं पूरी की पूरी जितने वहाँ के लग सबको ही उड़ा रहे हो वहाँ से। मैं खुद हिंदू हूँ, ये बात नहीं हिंदू मुस्लिम की, मैं ये इंसान को किसी इंसान के साथ गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है, घर किसी को क्यों उजाड़ते हो, प्रॉपर तरीका करो। उनकी तो पत्नी है जो साइस्ता है, वो भी जो है वो गायब है, फरार है, वो अभी तक मिली नहीं है। तो देखो उनके पीछे उनको ट्रेस करें, पकड़े उनको, सजा दे, करें ना ट्रेस, इनके पास ये कैसे इतनी पावर होती है ना पकड़ने की, इतनी सी मतलब इनके खोज है इनके पास, कुछ भी करो, अपराधी को जड़ में से निकाल के लाओ। ये हम अपनी कहती है, उनकी बीवी है ये भाई, जिसने अपराध किया उसको पकड़ो, उसको सजा दो, उनको ये वो उनके अगर बीवी ने अपराध किया तो उनको भी सजा दो। लेडीज़ के लिए भी कानून है, यानी कि लेडीज है तो लेडीज बच जाएंगी, अगर उनकी बेटी है, अब जैसे लालू जी की बेटी है, उनकी भी इंक्वायरी हो रही है मिसा की, चाहे अपराधी हैं या नहीं है, जो भी हैं अगर लेडीज़ हैं तो उनका भी कार्रवाई करो, जेंट्स है तो वो भी कार्रवाई करो, बाकी निर्दोष क्यों नहीं होना चाहिए? अतीक अहमद निर्दोष थे? नहीं, मैं उनको निर्दोष नहीं मानता, वो तो उनकी कानून में चल रही थी, और आप लोगों की राय है कि वो माफिया थे, वो उन्होंने आतंक मचा रखा था, पर फिर भी एक तरीका होता है ना। देशपाल इतना बड़ा हत्याकांड जो है उनको अंजाम दे दिया, तमाम बहुत सारे लोग सामने आए जिनकी उनका मर्डर करके उनकी जमीनें जो है वो हथिया ली, तो वो निर्दोष तो नहीं हो सकते? निर्दोष नहीं कह रहा मैं, निर्दोष आदमी को तो कैसे कि उन्होंने जेल में रखा होता, निर्दोष तो नहीं हो सकते, पर हर चीज़ की सजा होती है ना, एक तरीका होता है, किसी को फांसी भी दोगे तो तरीके से दोगे ना, किसी को कुछ भी दोगे, इतने उसकी मतलब कि उसके सारे परिवार को, खानदान को, सारी प्रॉपर्टी को, सब कुछ दबा कर दोगे, किसी को कर दोगे, तो अगर राम ने रावण को भी मारा था तो उसको भी एक सुधरने का मौका दिया था, उनको भी हत्या निर्धार हुआ, ठीक, उमेश पाल को हुआ हत्या, हाँ, तब तो मान लीजिए कोई नहीं कुछ कहा, हाँ, तो होना चाहिए, जो हत्या कर जेल से कराया हत्या, ठीक, तो इनकाउंटर हो गया, पूरा परिवार साफ, बस योगी जी से यही विनती है, कोई भी खत्म। अंकल का ये कहना है कि जो होना चाहिए कानून के दायरे में होना चाहिए। मैं एक बात पूछता हूँ, आप असद की बात कर रहे हो, वो अगर पुलिस वालों पे खड़ा हो जाए लेकर के गोली, तो पुलिस वाले अपना बचाव नहीं करेंगे, वो घर परिवार नहीं है उनका, मतलब गैंगस्टर का घर परिवार है और पुलिस वाले पागल चल रहे हैं। पुलिस वालों को आपने असद का नाम लिया, असद पुलिस वालों के बाहर चल रहा था, उसको पकड़ने के लिए गए थे, तब उसका एनकाउंटर हुआ है, ऐसे ही एनकाउंटर नहीं हुआ है। आप अतीफ की बात कर रहे हो, अतीफ के 100 लोग घूम रहे हैं, ठीक है, उन्होंने 10 लोगों का घर उजाड़ रखा है, 1000 लोगों का उजाड़ रखा है, चाहे उसको किसी ने भी मारा, जिसने मारा उसके साथ भी कानून कार्रवाई का सरकार करेगी, लेकिन आप कहते हो कि उसको मारना ऐसे गलत है, गलत नहीं है, जो मरना था, जो यहाँ पे उसने कराया क्रम करा था वही यहीं भोग के गया वो अपना, ठीक है, और आप कह रहे हो काले पानी, एक बार बताओ ना, जब तक जांच पूरी नहीं होगी सरकार कैसे कोई ऑर्डर दे देगी? अभी उसको दोषी करार दिया गया, अभी उसको रिमांड पर रखा गया था, कस्टडी में था वो उसकी, तो उसको कैसे पहले ही सब कुछ सलाह देगी कि हाँ भाई तेरे को फांसी दे देंगे, कैसे दे देंगे फांसी ऐसे? क्या
आप इधर आ जाओ। बड़ा है तो उनको आप पब्लिक में क्यों लेके जाती है? तो आज को तो इतनी फैसिलिटी है, वीडियो से वीडियो में बैठे बैठे सारी कार्रवाई हो जाती है, उनको 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 कोर्ट में लाने की जरूरत नहीं पड़ती, सारी कार्रवाई हो जाती है। अभी कोरोना में कितने मेरे हाथ में मैटर था, ऑनलाइन से सारे मैटर होते थे, मतलब प्रोसीडिंग भी होती थी कि सारा होता था। ये तो बड़ी इतनी, इनको तो लाना आना कहाँ से, अब प्रयागराज से गुजरात से यहाँ पर ला रहे हो, कितना तमाशा दिखा रहे हो, कितनी मतलब लाखों रुपये खर्च हो रहे हैं, मतलब क्या है? जो काम वीडियो से का हो सकता है उसकी प्रेजेंस वहीं लग सकती है, ये सब गलत बात है। कितना खुद फेस भी करना पड़ता है, ये नहीं हर कोई भी, अगर आज डिजिटल का जमाना है, वो कोरोना एक ऐसी मजबूरी थी कि नहीं आदमी बाहर निकल सकता था, ठीक है, इस टाइम भी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। हाँ, जिन लड़कों ने किया है उनके साथ जो भी, उनको सरकार उनको सजा देगी, मिलनी चाहिए सजा, ठीक है, लेकिन ये कहना कि एनकाउंटर करना गलत है, ये गलत है। अगर आज के टाइम में एनकाउंटर ही एक आखिरी रह गया है, अब यूपी में कोई 10 बार सोचेगा कि मैं बदमाश बनूँ या नहीं बनूँ, ठीक है। लेकिन अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, उन्होंने बोला जब लड़कों के बयान आए कि हम फिदायन बन के आए थे, तो उन्होंने बोला कि योगी सरकार में तो अब फिदायन भी जो है वो बनने शुरू हो गए। योगी सरकार अगर फिदायन बनाती है तो पहली बात तो वो बनाती नहीं, और दूसरी बात अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले वो जय श्री राम के जो नारे लगाए गए हैं उधर, योगी सरकार कभी ऐसा नहीं करेगी कि कोई हिंदू जाकर के मारे और जय श्री राम के नारे लगाए। जय श्री राम के नारे क्यों लगे हैं? ये जो नारे लगे हैं ये सारी विपक्षी पार्टी ने, ऐसा कोई नहीं योगी नहीं करवाया होगा, क्यों योगी क्यों करवाएगा, विपक्षी पार्टी भी करवा सकती है। वो कस्टडी में था, 100 राज खुलते, चाहे उसमें अखिलेश जी हो चाहे मायावती हो, कोई भी था, सब विपक्षी पार्टियों के नाम आते, क्योंकि वो कोई ऐसा था नहीं, छोटा मोटा माफिया था, बड़ा माफिया था, ISI से उसके कॉन्टैक्ट जोड़े गए हैं, तो किसी और ने भी तो मरवाया जा सकता था, ऐसा थोड़ी कि योगी सरकार ने ही मरवाया है। एनकाउंटर होता है तो कहता है योगी सरकार ने करवा दिया, अब कोई आकर के बाहर का गुंडा मार के जा रहा है तो भी आप कह रहे हो योगी सरकार ने करवा दिया, योगी सरकार पे और कुछ काम नहीं है प्रदेश में। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।